السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، معزز ومكرم هيو، हज की मुनासिबत से और फिर मेरे छुट्टी जाने की वजह से तकरीबन दो महीनों तक सीरत-उन-नबी का दर्स नहीं हो पाया था। आज से दोबारा उसका आगाज़ किया जा रहा है। इससे पहले हमारी गुफ्तगू जहाँ तक पहुँची थी वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के कैदियों के साथ जो उसने सलूक किया वो मैंने आप लोगों के सामने बयान किया था। आज के दर्स में गज़वे बद्र के बाद के कुछ अहम वाक़यात गज़वे उहुद तक इख्तसार के साथ हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है, अल्लाह रब्बुल आमीन हमें अपने नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार और आपके अखलाक को जानने और उसे अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन रब्बुल आमीन। गज़वे बद्र जो मार्का पेश आया ये सबसे पहला मुसल्ला और फैसला कुन मार्का था मुसलमानों और गैर मुसलमों या मुशरिकीन के दरमियान। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को फतेह मुबीन अता फरमाई और जो मुशरिकीन थे वो शिकस्त से दोचार हुए। और ये ऐसा मामला था कि इसे सारे अरब ने अपनी आँखों से देखा। मुसलमानों की फतह से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुशरिकों को हुई, इसलिए कि वही मद्दे मुकाबिल थे, उन्हीं के साथ जंग थी। और दूसरे नंबर पर इस जंग में मुसलमानों के फतह से जिन्हें ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची वो यहूदी थे, जो मदीना के अंदर रहने वाले थे उन्हें भी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची। और ये यहूद और मुशरिकीन ये हमेशा से मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में उनके ताल्लुक से फरमाया है, लतजदन्न अशद्दन्नास अदावतन للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا, कि मोमिनों के दुश्मन सबसे ज़्यादा यहूदियों को पाओगे और मुशरिकीन को पाओगे। तो इस जंग में मुसलमानों को जो फतह मिली सबसे ज़्यादा तकलीफ़ एक तो मुशरिकीन को हुई, जिन्हें अपनी ताकत पर बहुत नाज था, फ़ख्र था कि हमारे मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है, लेकिन मुसलमानों की ताकत के सामने वो ढेर हो गए और मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फतह मुबीन अता फरमाया। तो इन दोनों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। इसी तरीके से एक और तबका था मदीने के अंदर, उसे भी मुसलमानों की फतह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची, और वो तबका था मुनाफिकीन का, जो जिन्होंने बज़ाहिर इस्लाम का लिबादा तो और रखा था लेकिन दर पर्दा मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे और मुशरिकीन का साथ देते थे। और उन सब का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबै बिन सलूल, जिसे मुनाफिकों का सरदार कहा जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले मदीने की रियासत उसे ही मिलने वाली थी और मदीने का बादशाह वही बनने वाला था, लेकिन आपके जाने के बाद उसकी बादशाहत ख़त्म हो गई, इसलिए वह आपका दुश्मन हो गया। और जब बद्र में मुसलमानों को फतह मिली तो अब उसने एक नई चाल चली और उसने बज़ाहिर इस्लाम का कलमा तो पढ़ लिया लेकिन अंदर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ था और मुशरिकीन और जो आधा इस्लाम थे उनका साथ देता था। और जहाँ जहाँ मुसलमानों को फतह मिलती या कामयाबी मिलती वो उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और रंजिश होती थी। एक और गिरोह था जिसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची, वो लुटेरों का था, डाकुओं और रहज़ों का था, जो मदीना और मक्का के दरमियान की बस्तियाँ थीं वहाँ जो वो पोश रहा करते थे और आने जाने वाले मुसाफिरों को लूट लिया करते थे, उसे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची। और उसे तकलीफ़ पहुँचने की वजह इस्लाम की फ़तेह नहीं थी या मुसलमानों की फ़तेह नहीं थी, बल्कि उसे तकलीफ़ पहुँचने की वजह ये थी कि उनका कारोबार ठप पड़ने वाला था, क्योंकि इस्लाम अमन अमान की तालीम देता है और जुल्म और ज़ाती के ख़िलाफ़ है। इसलिए उन्हें महसूस होने लगा कि जब इस्लाम को ज़्यादा ताकत मिल जाएगी
तो हमारा जो कारोबार है वो सब के सब ख़त्म हो जाएगा। तो चार तरह के लोग थे जिन्हें बद्र में मुसलमानों की फतह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची। एक तो मक्का के मुशरिकीन और आसपास के जो भी मुशरिकीन थे उनको, नंबर दो मदीना की यहूदी, नंबर तीन मुनाफिकीन, और नंबर चार जो अवबाश और लुटेरे किस्म के थे जो मदीना और मक्के की रास्तों में रहा करते थे और आने जाने वाले मुसाफरीन को लूट लिया करते थे। हर फरीक ने अपने अपने लिहाज से मुसलमानों के खिलाफ तरीका अपनाया। मुनाफिकीन जो थे दरपर्दा साजिशें करने लगे, यहूदियों ने तो खुल्लम खुल्ला रंज और बगावत का इजहार किया, और जो मुशरिकीन थे मक्का के या आसपास के वो मदीने के ऊपर चढ़ाइयों की धमकियां दिया करते थे और इस तरीके से लड़ाई की धमकियां दिया करते थे। ये सूरत हाल इन लोगों ने अपनाया। गज़वे बद्र के बाद जो अहम वाक़यात पेश आए हैं उन अहम वाक़यात में से एक अहम वाक़या है गज़वे बनी सुलेम। ये बनू सुलेम एक इलाका है या एक कबीला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को उनके बारे में इत्तला मिली कि वो लोग मदीना पर चढ़ाई करने वाले हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 200 सवारों के साथ अचानक उनके ऊपर हमला बोल दिया। अचानक हमले से उनके अंदर भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का शिकार हो गए, जिसकी वजह से कई सौ ऊँट छोड़ करके वो लोग चले गए, जिस पर मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका खमूस या पांचवा हिस्सा निकाल करके जो ऊँट मिले थे वो मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया और तकरीबन हर शख्स के हिस्से में दो दो ऊँट आए। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिकमत अपनी अपना रखी थी, क्योंकि चारों तरफ से आपके दुश्मन थे, एक तो मक्का के मुशरिकीन और सारे मुशरिकीन, और नंबर दो यहूदी मक्का, और नंबर तीन मुनाफिकीन खुद, और फिर आसपास की बस्तियों में रहने वाले जो लुटेरे किस्म के थे। तो आपने बाकायदा फ़ौजी दस्ता हर रास्ते पर आपने मुतय्यन कर रखा था। ये बाकायदा इन्हें कोई ख़बर मिलती थी तो मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर पहुँचाई जाती थी और फिर आप उसके ताल्लुक से कोई रास्ता और तरीक़ा अपनाते। जब आपको इत्तला मिली कि बनू सुलेम के लोग मदीने पर चढ़ाई करने वाले हैं, तो आपने अब इसके की वो चढ़ाई करें, आपने खुद चढ़ाई की और इस तरीके से उनके कई सौ ऊँट आपके कब्ज़े में आ गए। तो एक वाक़या तो ये पेश आया, और दूसरा वाक़या जो था बड़ा वो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश मक्के के अंदर रची जाने लगी। और हुआ यूँ कि उमैर बिन वहाब नामी एक शख्स था जो मक्के में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब अज़ियतें पहुँचाया करता था, और उसका बेटा जिसका नाम था वहब, वो जंगे बद्र में गिरफ्तार होकर के मुसलमानों की कैद में था। एक दिन सफवान बिन उमैया के साथ वो हतीम में यानी खाने काबा के अंदर, समझ हतीम जो इलाका है और जहाँ जिसको छोड़ दिया गया है, जिसको हतीम कहा जाता है, और वहाँ खाने काबा की तामीर नहीं की उन्होंने, दीवार नहीं खड़ी की, लेकिन जहाँ उसको छोड़ दिया उन्होंने कि जब हमें माल मिलेगा तो हम उसकी तामीर करेंगे, तो वहाँ बैठ करके वो बद्र के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम लोग अब ज़िंदगी में हमारे लिए कोई लुत्फ बाकी नहीं रह गया, क्योंकि बद्र में इतनी बड़ी शिकस्त हमें मिली कि जब वो शिकस्त हम सोचते हैं तो ज़िंदगी का सारा लुत्फ ख़त्म हो जाता है। तो उमैर ने कहा, जिसका बेटा मुसलमानों के पास कैदी था, उसने कहा कि अगर मेरे ऊपर कर्ज ना होता और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर ना होती तो मैं जा कर के मदीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता। सफवान बिन उमैया ने कहा, तुम्हारे ऊपर जो इतना भी कर्ज है उसकी ज़िम्मेदारी हमारी है, वो सारा कर्ज मैं अदा कर दूँगा और तुम्हारे बाल बच्चों की किफ़ालत की ना नफ़के की सारी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर, हम जो खाएँगे हमारे बच्चे जो खाएँगे वही तुम्हारे बच्चों को भी हम खिलाएँगे, लेकिन ये काम तुम जा कर के करके आओ। और ये मनसूबा तैयार किया गया और वो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की नीयत से वो मदीना पहुँचता है, और जैसे मदीना पहुँचा उसे पकड़ लिया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसे पेश किया गया। और फिर आपने पूछा, तुम क्यों आए हो? उसने कहा कि कैदियों के लिए आया हूँ, कि आप रहमदिल हैं, एहसान करते हैं, अखलाकमंद हैं, लिहाजा आप उन पर एहसान फरमा करके आप कैदियों को हमारे हवाले कर दें।
आपने पूछा फिर तलवार के साथ क्यों आए हो, तो उसने कहा कि कोई मकसद नहीं सिवाय इसके कि कैदियों को छुड़ाने के लिए मैं वहाँ से आया हूँ। फिर आपने कहा कि तुम सच सच बोल तो तुम किस मकसद के लिए आए, तो जब उसने फिर इनकार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हतीम के अंदर खाने काबा के अंदर जो सफवान बिन उमैया के साथ गुफ्तगु हुई थी वो सारी बात आपने उसे बता दी और कहा कि तुम हमें कत्ल करने के मकसद से आए। जब उसने बात सुनी तो उसने फौरन कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया और कहने लगा कि आप पर वही नाजिल होती थी तो हम छुटला देते थे, लेकिन ये ऐसी बात है कि मेरे और सफवान के सिवा कोई वहाँ मौजूद नहीं था और बड़ी राजदाराना ये गुफ्तगू थी और अहद पैमान किया गया था कि इसके बारे में किसी को इतला नहीं दी जाएगी, लिहाजा आप हमारे और सफवान के अलावा ये बात किसी को नहीं मालूम थी। जब ये बात आपको मालूम हो गई तो उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। अब यहाँ सवाल ये होता है कि कैसे हमारे नबी को बात मालूम हुई, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे तो कैसे बात मालूम हुई। उसका जवाब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको वही के ज़रिए से बताया जो आपके ख़िलाफ़ साजिश रची गई, कत्ल का मनसूबा बनाया उसने, ये सारी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको वही के ज़रिए से बताई, क्योंकि आप आलिमुल गैब नहीं थे। आलिमुल गैब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म नहीं है। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात पेश आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिकमतों के पेश नज़र उस वाक़े की इतला आपको नहीं दी। बहुत सारे वाक़यात पेश आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद कबीले के लोग आए, रोल, शिया और ज़कवान, तीन कबीले के लोग। इन तीनों ने कहा कि हम मुसलमान हो गए हैं। हम क्या हो गए? मुसलमान हो गए। आप हमारे दरमियान मुबल्लिग भेज दीजिए, दाई भेज दें कि वो आएँ और हमें इस्लाम की तालीम दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को भेजा था, 70 सहाबे कराम जो कुर्रा थे, कुरान के हाफिज थे, कारी थे, आलिम थे, उनको आपने भेजा, क्योंकि दावत तबलीग की जिम्मेदारी उलमा की होती है। तो आपने उलमा को कुर्रा और हुफ्फाज़ को भेजा। रास्ते में पहुँचे जब उनके इलाके में तो उन्होंने बदहदी की और तमाम के तमाम सहाबा को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। अब यहाँ सवाल ये होता है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब मालूम होता तो आपको ये मालूम होना चाहिए था कि लोग साजिश करके आए हुए हैं और हमारे सहाबा को कत्ल कर देंगे, लेकिन आपने भेजा उनको क्योंकि आपको गैब नहीं मालूम था और 70 सहाबा को भेजा और आपने बाकायदा उन पर बदवाएँ की। तायफ में आपको लहूलुहान किया गया, आपको अजियत पहुँचाई गई, आपको तकलीफ दी गई, लेकिन आपने उन पर बदवा नहीं की। जब बादशाह आते, पहाड़ों का फरिश्ता आता है और ये कहता है कि अगर आपका हुक्म हो तो इनको दो पहाड़ियों के दरमियान पीस करके रख दिया जाए, तो भी आपने इजाज़त नहीं दी। आप उनके लिए दुआ की कि मेरी कौम के लोग उनको नहीं मालूम, हो सकता अल्लाह अल्लाह की नस्ल से ऐसे लोगों को पैदा करे जो हमारे ऊपर ईमान लाए, और वही हुआ बाद के सारे लोग मुसलमान हो गए फतेह मक्का के बाद। तो आपको अगर गैब मालूम होता तो ये मालूम होना चाहिए था कि लोग बदहदी करेंगे और हमारे सहाबा को उलमा को कत्ल कर देंगे, लेकिन आप ने उनको भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि आप तो बहुत खुश हो गए थे कि पूरे इलाके के लोग मुसलमान हो गए, बहुत खुशी आपको हुई, इसलिए आपने भेजा उनकी दावत और इरशाद और तबलीग के लिए, लेकिन उन्होंने बदहदी की और आपको कत्ल कर दिया। इसलिए जो लोग कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह आपको इल्म गैब था, इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके सहाबे कराम को भेज दिया, लिहाजा सहाबे कराम के कत्ल के जिम्मेदार वो लोग नहीं थे, नऊज़ुबिल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जानबूझ करके आप उनको भेज दिया। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात पेश आए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नहीं बताया, वही के ज़रिए अल्लाह ताला की हिकमत। अल्लाह ताला को कोई रोकने वाला और हुक्म देने वाला नहीं है, अल्लाह ने जहाँ मुनासिब समझा बताया और अल्लाह ने जहाँ बेहतर समझा नहीं बताया। हमारे लिए उसमें बहुत सारी इबरतें हैं, नसीहतें हैं, और उसमें हमें बहुत सारे अहकाम मालूम होते हैं। तो ये जो वाक़या पेश आया, कोई ये कह सकता है कि आपको कैसे मालूम हुआ, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वही के ज़रिए से आपको बताया, और जब वही के ज़रिए से कोई बात मालूम हो तो उसको इल्म गैब नहीं कहा जाता। इल्म गैब का मतलब ये है कि इंसान बग़ैर किसी ज़रिया और बग़ैर किसी सबब के होने वाले कल के वाक़े को बता दे बग़ैर किसी सबब और ज़रिया की, उसको इल्म गैब कहा जाता है। अगर किसी ज़रिए से कोई चीज़ मालूम हो जाए तो उसको इल्म गैब नहीं कहा जाता है।
फतेह खैबर के मौके पर भी एक वाकया पेश आया, एक यहूदी औरत ने हमारे नबी को दावत ली, उसमें एक सहाबी को भी दावत में आपके साथ भी, जिनका नाम था महरूर बिन सुहैद या सुहैद बिन महरूर, और उन्होंने और उस औरत ने जहर मिला दिया था खाने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाए, आप उसका असर नहीं हुआ, तकलीफ तो हुई आपको लेकिन उसका असर नहीं हुआ, लेकिन सहाबी की वफात हो गई, इसीलिए आपने उस औरत को जो यहूदी औरत थी कत्ल कर दिया था, क्योंकि उसने खाने में जहर मिला दिया था। तो आपने और उसके जहर खाने की वजह से एक सहाबी की वफात हो गई थी, मौत हो गई थी, तो आपने उस औरत को कत्ल कर दिया था इस जुर्म में, कत्ल के जुर्म में, क्योंकि वो कत्ल कातिल हो गई, कत्ल करने वाली हुई, उसने जहर मिला दिया था। तो यहाँ भी सवाल पैदा होता है कि आपको अगर है मालूम था तो आपने क्यों नहीं बताया कि सहाबी तुम मत खाना, इसमें जहर मिला हुआ है, और फिर आप क्यों खुद खाए, आप पर भी तकलीफ हुई और वफात तक उसका असर रहा और आपको तकलीफ होती रही। जब आप वफात का वक्त आया तो आपने हज़रत आयशा से कहा, अरे आयशा, मुझे जो खैबर में जहर वाला गोश्त दिया गया था उसका असर मुझे आज तक महसूस हो रहा है, आज तक मुझे तकलीफ हो रही है उस जहर का खाने की वजह से, तो अगर आपको मालूम होता तो आप बता देते। तो बताने का मकसद ये है कि इन वाक़ियात में ये दलील नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही मालूम था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही के ज़रिए से आपको बताई, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी यानी जो कौमें गुजर चुकी हैं उनके बारे में बताया, नूह की कौम के बारे में, इब्राहिम की कौम के बारे में, मूसा अलैहिस्सलाम कौम के बारे में, बहुत सारी कौमों के बारे में अल्लाह ने बताया आपको, कुरान में जिक्र है बाकायदा, आप तो थे ही नहीं, आपकी औलादत भी नहीं हुई थी, अल्लाह ने सब बताया तब आपको मालूम हुआ। ऐसे ही जो वाकयात पेश होते थे अल्लाह ताला जिसके बारे में बताना चाहता था बता देता था। 124,000 अंबिया और रसूल आए, क्या हर नबी के बारे में अल्लाह ने अपने नबी को बताया, क्या हर रसूल के बारे में बताया, नहीं। 25 नबियों का जिक्र आता है कुरान में, 124,000 नबी और रसूल आए, हर नबी के बारे में नहीं बताया, सिर्फ 25 नबियों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के बारे में बताया, अपने नबी को बताया। बाकी और अंबिया कहाँ गए, उसका जिक्र नहीं है कुरान में, हदीसों में उसका जिक्र नहीं मिलता। तो ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी, जिस नबी के बारे में बताना चाहे बताए, जिसके बारे में नहीं बताना चाहे नहीं बताया, जिस वाक़ियात के बारे में अल्लाह ने बताना चाहे बता दिया, जैसा होने वाला वही के ज़रिए से, और जिन वाक़ियात के बारे में अल्लाह ने नहीं चाहे नहीं बताया। हम एतराज़ करने का हक़ नहीं रखते, कोई अल्लाह ताला को हुक्म देने वाला नहीं है, कोई अल्लाह को रोकने और टोकने वाला नहीं है, इसलिए इन वाक़ियात में हमारी दलील नहीं है। इन वाक़ियात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको वही के ज़रिए से बताया। बहरहाल ये भी आपके ज़िंदगी का या ग़ज़वे बद्र के बाद का एक वाक़िया है जो मुअर्रिख़ीन ने और अहले शेर ने बयान किया। एक और वाक़िया जो पेश आया, ग़ज़वा पेश आया, बनू क़ुनैज़ा का ग़ज़वा। बनू क़ुनैज़ा इसमें यहूदी आबाद थे, यहूदी लोग रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो आपने यहूदियों के साथ ही मुआहदा किया था, उनके साथ भी मुआहदा किया था, जैसा कि मैंने इससे पहले बयान किया तफसील से। और मुआहदा ये था कि हम आपस में रहेंगे और अगर कोई मदीने पर हमला करेगा तो सब मिलकर के हम साथ जो है लड़ेंगे और उसका मुकाबला करेंगे, और सब एक दूसरे के खून की हिफाज़त करेंगे, इज्जत की हिफाज़त करेंगे, सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, ये आपने से मुआहदा किया था। लेकिन जो यहूदी थे वो उनकी पूरी तारीख गदर और ख़यानत से और बेवफाई और अहद शिकनी से भरी हुई है, हमेशा से उनकी तारीख है, अंबिया की कातिल कौम है ये जो यहूदी हैं, अंबिया को कत्ल किया इन्होंने, तो वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा शरारत करते थे और मुसलमानों को अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचाते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि उनकी शरारत से औस और ख़ज़रज के जो मुसलमान हो गए थे सारे लोग, उनके दरमियान ऐसा उन्होंने फितना पैदा किया कि सब लोग आपस में दुश्मन हो गए और लड़ाई पर तैयार हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आप पहुँचे और उन लोगों को समझाया बुझाया और इस्लाम की और दीन और ईमान की दौलत से और नेमत उनको याद दिलाई, तो ये आग जो उन्होंने भड़का रखी थी वो आज जा कर के बुझी। इस तरीके से एक बार ऐसा हुआ कि ये लोग इन लोगों ने क्या किया, बहुत बड़ी शरारत की और ये कहने लगे कि एक औरत उनके बाज़ार में गई तो कुछ सामान खरीदने के लिए, क्योंकि वो सोनार थे, लोहार थे और बर्तन साजी का काम क्या करते थे, यहूदियों के पास तिजारत हमेशा से रही है, बड़ी मक्कार और साजिशी कौम है, आज भी पूरी दुनिया की तिजारत यहूदियों ही के हाथ में, यहूदी बहुत कम हैं
लेकिन पूरी दुनिया की तिजारत, पूरी दुनिया के माल इन्हीं के कब्जे में, यही सब तय करते हैं, हर चीज़ की कीमत यही तय करते हैं, सोना चांदी और बड़े बड़े वाक़ात जो दुनिया के अंदर पेश आते हैं, क्योंकि माल बहुत अहम है ज़िंदगी के लिए। तो आजकल भी जो यहूदी हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में, पूरी दुनिया की दौलत समझ लीजिए, जी हाँ, और वो भी यहूदियों में से सिर्फ 5 खानदान है जो पूरी दुनिया पर कंट्रोल करता है, जी। तो ये हमेशा से इनकी आदत रही है। तो ये पूरी तिजारत मदीना की नहीं के हाथ में थी, सोनार इनके थे, लोहार इनके थे, बिजनेस इनका था, कपड़े का भी और बर्तन बनाने का, पूरा कारोबार इन्हीं का था। तो एक औरत उनके बाज़ार में गई कुछ सामान खरीदने के लिए, तो जो ताजिर था यहूदी, बड़ा शरीर था वो, उसने क्या किया, उस औरत के कपड़े का जो निचला हिस्सा होता है उसको एक जगह बांध दिया, और जब बेचारी उठने लगी तो बेपर्दा हो गई। तो जो यहूदी थे वहाँ पर, वो सब के सब खूब कहा लगा करके हंसने लगे। तो उस औरत ने भी चिल्लाया, और एक मुसलमान पहुँचा वहाँ पर, तो उसने जा करके उस ताजिर को कत्ल कर दिया, जिस यहूदी ने ये बेहूदा काम किया था। और जो यहूदी के मानने वाले थे, यहूदी थे, उन्होंने जवाब में उस मुसलमान को कत्ल कर दिया। इस तरीके से मदीने के अंदर जो है पूरा एक हंगामा बरपा हो गया, हंगामा हो गया। आपने क्या किया, इस तरह के वाक़ात और भी पेश आए, तो आपने मदीने के इंतज़ाम अबू लुबाबा एक सहाबी, उनको सौंप दिया, और हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को झंडा दे करके इनके कबीले की तरफ जाने लगे, रुख किया। जब उन्होंने देखा कि ये हमारे पास आ रहे हैं, तो यहूदी साजिशी कौम तो है लेकिन बहादुर नहीं है, बहुत बुजदिल लोग हैं ये यहूदी, बहुत बुजदिल कौम है ये। तो ये पूरे के पूरे किलों के अंदर बंद हो गए, और आपने पूरे 15 दिन तक उनका मुहासरा किया। और ये लोग क्या थे, यहूदी, अपना पूरा किला बना करके रखे हुए थे, और ताकि अगर हमला भी हो तो अंदर हम छुपे रहेंगे और ज़िंदगी गुजार लेंगे। तो 15 दिनों तक आपने उनका बाकायदा मुहासरा किया, और उसके बाद उन्होंने हथियार डाल दिया। आदमी कब तक रह सकता है, बाहर सामान नहीं जा रहा, अंदर महसूर है, बंद है, तो उन्होंने हथियार डाल दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम करते हुए उनको छोड़ दिया, और मुल्क शाम की तरफ जाने की इजाज़त दे दी कि तुम लोग शाम के इलाकों में चले जाओ, और मदीना और उसके आसपास की आबादियाँ और बस्तियाँ तुम छोड़ दो। तो ये सारे के सारे लोग मुल्क शाम चले गए थे। मुल्क शाम के इलाका कौन सा, ये सीरिया और लुबनान, ये जो इलाका है मुल्क शाम के इलाका कहलाता है। इन इलाकों में सारे यहूदी चले गए, और आपने इस शर्त पर उनको वहाँ से जो है भगा दिया। तो ये भी आपके यानी गज़वे बद्र के बाद एक अहम वाक़या पेश आया, जिसमें आपने यहाँ के सारे यहूदियों को, जो बनू कोयनका के यहूदी थे, उनको आपने जिला वतन कर दिया। एक और वाक़या पेश आया कि एक यहूदी था जो बड़ा मालदार भी था, बहुत बड़ा शायर भी था, और उसका नाम था काब बिन अशरफ। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा तौहीन करता था, हमेशा आपकी हिजू करता था, और वाहियात अशार कहा करता था, तौहीन करता था, आपकी शान में गुस्ताखियाँ करता था, और उसकी शरारतों से मुसलमान भी परेशान थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान थे, बददिल थे। तो आप एक दिन फरमाया, कौन है जो उसे कत्ल करेगा? तो उस पर 3 सहाबा खड़े हुए, एक का नाम था मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और वही कायद और सरबराह थे, और 2 और थे, का नाम था अब्बाद बिन बिश्र, और एक तीसरे सहाबी का नाम था हारिस बिन औस, औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन। इन तीनों ने कहा कि हम उसे कत्ल करेंगे। बहरहाल मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ये तीनों दोनों निकले, और रात की तारीकी में जा करके उसे कत्ल किया, जैसा कि सही बुखारी की हदीस है, बुखारी अबू दाऊद की हदीसों के अंदर, किताबों के अंदर वाक़या मौजूद है कि रात की तारीकी में गए। और इस तरीके से पहले उसके साथ उन्होंने दोस्ती की, और कहा कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम सब लोग इनसे आजीज आ चुके हैं, और हम इनके ख़िलाफ़ कोई प्लान करते हैं। जब वो समझा कि हमारे दोस्त हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, तो उसने अपने यहाँ आने जाने की इजाज़त दे दी, और उसमें काफ़ी वक्त लगा, ऐसा नहीं कि एक दिन का वाक़या है, काफ़ी वक्त उसके अंदर लगे। और उसके बाद फिर जो है मोहम्मद बिन मसलमा और ये 2 और अब्बाद बिन बिश्र और हारिस बिन औस, ये तीनों गए एक रात, और इस तरीके से उसे कत्ल किया, और फिर यानी उसे कत्ल कर दिया गया। तो ये भी वाक़या गज़वे बद्र के बाद का है, गज़वे उहद से पहले का वाक़या है। इसमें जो काब बिन अशरफ जो यहूदी था, उसके कत्ल का मामला है, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त थी, आपने बाकायदा इजाज़त दी, और कहा कौन उसे कत्ल करेगा। आज अगर कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है,
या आपकी तोहीन करता है तो एक आम आदमी को उसके कत्ल करने का अख्तियार नहीं है कि हम जा करके उसको कत्ल कर दें। हमारा जो किरदार होना चाहिए वो ये कि हम उसे अदालत के हवाले करें, उसके खिलाफ सबूत मुहैया करें। अगर अदालत उसे कत्ल कर देती है या उसे सजा देती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं देती है तो क़यामत के दिन उसको सजा मिलेगी। और पूरी तारीख रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने भी गुस्ताखी की है वो अपना तबई मौत नहीं मरा जी, या जल करके मर गया, पानी में डूब करके मर गया, कुचल करके मर गया, कोई बड़ी बीमारी के अंदर गिरफ्तार हो गया, पागल हो गया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जिसने भी की है ये पूरी तारीख रही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाया इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, जो आपका इस्तेहज़ा करने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हैं ऐसे लोगों के लिए। लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह के रसूल की सीरत का मुताला करें, आपके अख़लाक़ किरदार को लोगों के सामने बयान करें, और अगर कोई आपकी शान में गुस्ताखी करता है तो उसको कत्ल करने का अख्तियार हमको नहीं दिया गया है। कानून हाथ में लेने से फसाद होता है और इस तरीके से जाने जाए और बर्बाद होती है, लिहाजा कानून हाथ में लेना ये मना है शरीयत के अंदर। कानून वही हाथ में लेगा जिसके पास कानून लेने का पावर है, जो हाकिम वक्त होता है, जो बादशाह वक्त होता, काजी होता, उसके पास होता पावर, आम लोगों के पास पावर नहीं होता है। इसीलिए जो सज़ा नाफिज करता है वो हाकिम वक्त होता है, आम लोगों को सज़ा नाफिज करने का हक़ नहीं दिया गया। आप यहाँ देखें किसी आदमी को शराब पी रहा है तो आप उसे कोड़े नहीं लगा सकते, आप उसे जो है अदालत के पास, अदालत में ले जाइए, काजी के पास पेश कीजिए, जुर्म साबित होने के बाद उसको सज़ा दी जाएगी। अगर हर आदमी सज़ा देने लगे, कानून नाफिज करने लगे तो अमन अमान ख़त्म हो जाता है, दुनिया की तरफ अमन बाकी नहीं रहेगा, अफरा तफरी होगी, किसी की जान किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। इसलिए शरीयत के अंदर हर चीज़ का यानी उसके लिए ज़िम्मेदार हैं और हर चीज़ को उसकी ज़िम्मेदारी दी गई है। हमारी ज़िम्मेदारी लोगों को नसीहत करना, लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है, अगर कोई ऐसा करता है उसको अदालत के हवाले करना है, कानून के हवाले करना है और वकला मुहैया करना है, और इस तरीके से उसके लिए अगर पैसा लगे, इंसान पैसा लगाए कि उसको सजा दी जाए। लेकिन हमारे हमको अख्तियार नहीं दिया कि कैसे आदमी को हम कत्ल कर दें, अगर ऐसा करेंगे दुनिया के अंदर अमन अमान ख़त्म हो जाएगा। जिस मुल्क भी देखिए लोगों ने कानून हाथ में ले लिया उस मुल्क में अमन अमान नहीं है, किसी की ना जान महफूज है, ना किसी की इज्जत महफूज है, ना मदरसा महफूज है, ना मस्जिद महफूज है, ना स्कूल महफूज है, कोई चीज़ महफूज नहीं, ना बाजार महफूज, ना मर्द ना औरत ना बच्ची, कोई महफूज नहीं। तो कानून हाथ में लेना बहुत बड़ा जुर्म है, दहशतगर्दी है। अगर कोई हमारे भाई को भी कत्ल कर दे तो हमको नहीं कहा गया कि हम उसको कत्ल कर देंगे, हम उसे कानून के हवाले करेंगे, कानून उसके साथ फैसला करेगा। एक सहाबी हैं सही बुखारी की रवायत है, साद रज़ी अल्लाह तआला, साद बिन मुआज़, आप से उन्होंने सवाल किया कि अगर मैं अपनी बीवी के बिस्तर पर किसी आदमी को पाऊँ उसे कत्ल कर दूँ, कहा नहीं मत कत्ल करूँ उसे, गवाह लेकर के आओ, कहा गवाह लेकर के आएंगे तो अपना काम करके चला जाएगा। कहा कि अल्लाह ताला तुमसे ज़्यादा गैरतमंद है, और तो आपने क्या फरमाया कि तुम साद की गैरत देख रहे हो, उससे ज़्यादा मैं गैरतमंद हूँ और अल्लाह ताला हमसे भी ज़्यादा गैरतमंद है। आपने साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी औरत के बिस्तर पर अजनबी आदमी को पाए जाने की वजह से कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया कि तुम उसे कत्ल कर दो। क्यों? इसलिए कि अगर कत्ल करेंगे तो क्या होगा, वो भी आपको कत्ल करेगा और फिर कत्ल का सिलसिला चलता रहेगा, आप पर इल्ज़ाम तराशी करेगा कि मैंने आपको अपनी बीवी के पास पाया, अपनी बहन के पास पाया, अपनी बेटी के पास पाया, तो ये सिलसिला दराज होता जाएगा और कत्ल का सिलसिला नहीं रुकेगा। इसलिए आपने उसे कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी। तो जहाँ सज़ाएँ होती हैं, हदूद होता है, उसके लिए हाकिम वक्त होता है। हमारा काम नहीं है कि हम उसको सजा दें, हमारा काम नसीहत करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े उसे मारो। कौन मारेगा बच्चे को? जो बाप का वालिद है, माँ है, वो मारेंगे। हम नहीं मार सकते दूसरे को बच्चे को, हम उसे मारेंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चों को मारेंगे और इस तरीके से लड़ाई होगी, आपस में इख्तलाफ इतना होगा। तो जब मारने का हक हमको नहीं दिया गया है कि नमाज ना पढ़ने पर किसी बच्चे को मारे, तो क्या हम किसी को कत्ल करने का हक रखते हैं? नहीं हक रखते। ये सज़ा जो है नाफिज करने का हक बादशाह के पास, बस हाकिम वक्त के पास है, हमारे और आपके पास नहीं है। हम नसीहत कर सकते हैं, कोई शराब पीता है, कोई जना करता है मान लीजिए, हम उसको सजा नहीं दे सकते, हम उसको अदालत के हवाले करेंगे कि ये जना करता है, शराब पीता है,
ये फलां जुर्म करता है, मनशियात का कारोबार करता है, ये जो है स्मगलिंग करता है, मनशियात फैलाता है, हम उसको सजा नहीं देंगे, हम ऐसे लोगों को हाकिम वक्त या अदालत के पास पहुँचाएंगे, सबूत देंगे। ये उनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी किसी को कत्ल करने की नहीं है। जो ये समझते हैं वो सलफ सालेहीन के मनहज पर नहीं है, ये खवारिज लोग हैं जिनको खवारिज कहा जाता है, जिन्होंने सहाबा और सलफ सालेहीन का और कुरान और सुन्नत के मनहज को छोड़ दिया, सहाबा का कत्ल किया, मुसलमानों का कत्लेआम किया, उन लोगों का मनहज है। इस्लाम जो हमें तालीम देता है कि नहीं, हमें किसी को कत्ल करने का अख्तियार नहीं, हमारी हर इंसान की अपनी एक जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी की हदूद में रहे, अपनी जिम्मेदारी इंसान अगर अदा कर ले उसके लिए काफ़ी। हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चों की तरबियत है, औलाद की तरबियत है, खुद नमाज पढ़ना, दीन पर रहना, तौहीद पर रहना, बिदात और शिर्क ना करना, अपने बच्चे अपनी बीवियों को इस पर रखना, ये हमारी जिम्मेदारी, नसीहत करना। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि दूसरे का की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लें, ये जिम्मेदारी हमको नहीं दी गई। तो इसलिए ये चाहे कोई अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करे, या इस तरीके से कोई शराब पिए, कोई जना करे, कोई जिसमें भी शातिम रसूल की सजा कत्ल है शरीयत के अंदर, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले की सजा कत्ल है, ये शरीयत का हुक्म ही है, इस पर इजमा है मुसलमानों का, इसमें कोई इख्तलाफ की बात नहीं है, और अगर इख्तलाफ है तो मोतबर नहीं है। लेकिन कत्ल कौन करेगा ये जानना हमें चाहिए, सजा कत्ल है लेकिन कत्ल करेगा हाकिम वक्त, जिसको कत्ल का पावर दिया गया, जिसके पास तलवार है, जिसके पास डंडा है, वो करेगा, आम आदमी कत्ल नहीं करेगा, अगरचे उसकी सजा कत्ल है। जैसे जना की सजा क्या है, अगर शादी शुदा है तो रजम है, कत्ल है, कौन कत्ल करेगा? हम करेंगे, किसी को देखा दो लड़के औरत और मर्द को शादी शुदा है, हमने देखा रोड पर जना कर रहे हैं दो लोग, तो क्या हम उनको जाके एक मार डालेंगे? नहीं, हमको मारने का हक नहीं है, हमको उनको पकड़ करके अदालत के हवाले करना है, बस ये हमारा काम, कत्ल करना हमारा काम नहीं है, अगरचे उसकी सजा कत्ल है। चोर करता है चोरी, उसके हाथ काटने की सजा है, हम उसके हाथ नहीं काटेंगे, वरना दुनिया में दो हाथ वाला पंजे वाला कोई नहीं बचेगा, सब लूले नजर आएंगे, सब एक दूसरे के हाथ काटते फिरेंगे। हमें नहीं दिया गया कि उसके हाथ काटें, उसको हम कानून के हवाले करेंगे। जब सजा, जब जुर्म साबित हो जाएगा, कानून सजा देगा, हम सजा देने का हक नहीं रखते। बात वाजिब होगी नहीं वाजिब? जी हाँ, बहुत अहम बात है जिसको हमें समझने और जानने की ज़रूरत है। ये चंद वाक़ियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ग़ज़वे बदर के बाद, ग़ज़वे उहद से पहले के और भी वाक़ियात हैं, बहुत सारे सरिये हुए, बहुत सारे छोटे छोटे जंगे हुए, लेकिन यह वाक़ियात जो मैंने आपके सामने पेश किया है, अल्लाह ताला दुआ के अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक को जानने की तौफीक दे, और उसको अपनाने और उस पर अमल करने की तौफीक नाथ फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद वाला आलिहि वसल्लम।